अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपसे ड्रामा सीरियल चुपके चुपके से शोहरत पाने वाली अदाकारा एमन सलीम के बारे में एक न्यूज शेयर करने लगा हूँ, जो कि उनके फैंस को काफी अफसरदा कर देगी। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके का तो आपको मालूम ही होगा, जो कि रमजान में ऑन एयर हुआ था और काफी लोगों ने उसको एंजॉय किया और देखा, और वो इस साल का बहुत ही हिट ड्रामा सीरियल रहा। इस ड्रामा सीरियल में एमन सलीम ने मिशी का किरदार अदा किया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों के दिलों में घर किए। ये एमन सलीम का पहला ड्रामा था और इनको इस ड्रामे से बहुत शोहरत मिली। लोगों ने इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया और वो सब चाहते थे कि हादी यानी अरसलान नसीर के साथ इनके और भी प्रोजेक्ट्स आए, क्योंकि इन दोनों को एक साथ काफी पसंद किया जाता है। लेकिन एमन सलीम ने अपने फैंस को एक बुरी खबर सुना दी है। एमन सलीम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाई और इसमें लिखा, मैं गहरी शुक्रगुजारी के साथ ये बताना चाहती हूँ कि अब मैं अदाकारी नहीं करूँगी। मेरे दिल में इस इंडस्ट्री के लिए शदीद मोहब्बत है और मैं इससे जुड़ी रहूँगी। मैं अब आगे क्या करूँगी इस बारे में आपसे पोस्ट करके मालूमात शेयर करती रहूँगी। तो ये वो न्यूज़ थी जो कि एमन सलीम ने अपने फैंस के साथ शेयर की। एमन सलीम ने कहा कि अब वो मजीद आपको एक्टिंग में नजर नहीं आएंगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये बताया कि वो इंडस्ट्री को नहीं छोड़ रही, बल्कि सिर्फ एक्टिंग में आपको वो नजर नहीं आएंगी, जिसका मतलब ये है कि वो आपको ड्रामास के अलावा बाकी प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकती हैं। इसके अलावा अगर ये अपनी बात पर कायम रहती हैं तो चुपके चुपके सीजन 2 में फिर डायरेक्टर्स को किसी और एक्ट्रेस को मिशी के किरदार के लिए हायर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस बारे में अपनी राय का जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि आगे जब मैं इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।